अज दोपहरे मुंबई पुलिस ने राजदीप सिंह धालीवाल जिन्होंने अजय देवगन की गड्डी रोक के केवल उन्होंने यह कहा कि तैनु किसानी हक च भुगतना चाहिए है, तू चुप क्यों आ, तुसी गुरु दियां सिख दियां दस्तारां बन बन के मूवियां चो पैसे कमाते रहे और अज जो किसानां नाल खड़े होने का वेला आया तो तुसी बंद मूँह बंद कर लिया। इस दे चलदे सरदार राजदीप सिंह नूं अरैसट कर लिया गया, उन्हां दे उत्ते धारां लाई गई 341 504 506 मारन की धमकी देना और उन्हें अरैसट किया गया। असी शाम दे ही मुंबई पुलिस के प्रशासन नाल गलबात कर रहे सी, असी सारे ने अपनी टिकटां भी करा लिया, मैं सरदार हरमीत सिंह कालका कल उत्थे जा रहे सी, जो असी प्रशासन दस्सिया कि असी सवेरे 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं तो हुणी थोड़ी देर पहला मेरे ने पुलिस प्रशासन नाल गल हुई, उन्होंने साढ़े नाल एक कमिट किया है कि तुसी अपना वकील भेजो तो असी हुणे इहनूं छड्डण नूं तैयार हाँ। हुणे अमरदीप सिंह खालसा जो कि साढ़े एडवोकेट ने, अमृतपाल सिंह खालसा जो कि साढ़े एडवोकेट ने, वह और मुंबई गुरुद्वारे के प्रधान साहब वो पहुँच रहे हैं और हुणे उहदी जमानत दे के ते खालसा जी नूं हुणे ही थाने चो बाहर लैके आउणगे। मैं धन्नवाद करदा साडे एडवोकेट साहब का जिन्हां ने रातों रात हुणे तुर पए और उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट उत्थे पहुँच के ते सारे कागजी कार्रवाई पूरी करवाउणा है, और मैं धन्नवाद करदा साडे सारे देश और दुनिया भर के उन्हां लोगों का जिहड़ी किसानी की आवाज़ नूं बुलंद रखे हुए ने और साडी इस लड़ाई साडा साथ दे रहे हैं। जिथे असीं तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हाँ इत्थे भी अज असीं कोई 13 सिंह जिहड़े ने अज इत्थों भी रिहा करावांगे, हुणे थोड़ी देर बाद तुहानूं वी वीडियो पावांगे, पर ये किसानों की बड़ी वड्डी जित आ, रोज़ जित हो रही है। अज जेकर एक साडे वीर नूं फड़े पर असीं एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और कुछ घंटों के अंदर अंदर ही महाराष्ट्र की पुलिस नूं छड्डण नूं मजबूर हुई आ। सो मैं बहुत धन्नवाद करदा तुहाडे सारयां दा। थोड़ी देर च ही धालीवाल साहब बाहर आउणगे और अपने नाल गल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।